हेलो स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू ऑल इन कंप्यूटर क्लास स्टूडेंट इट्स अ कम्बाइंड सेशन ऑफ चैप्टर थ्री एंड फोर सो ऑल ऑफ यू वॉच वेरी अटेंटिवली बेसिकली इस सेशन को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप एग्जाम से पहले इसको देख लेंगे तो आपका जो भी नॉलेज है वो फिर से दोबारा से रिवाइज हो जाएगा <coughs> और आपके जो भी कॉन्सेप्ट में अगर कहीं पर डाउट है आपको तो वह आपके रिविजन के थ्रू फुलफिल हो जाएंगे या फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी इसीलिए इस सेशन को दोबारा से बनाया गया है और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में ओके सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन बेसिकली स्टूडेंट्स इस सेशन में हम लोग इन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन तो इसको लास्ट तक देखिएगा काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीनस कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या हैं बेसिक उनका फंक्शन क्या है टॉपिक्स यू विल लर्न इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे सीखेंगे मॉनिटर के बारे में सीखेंगे कीबोर्ड माउस सीपीयू, स्पीकर एंड प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस नाउ वी विल लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि स्मार्ट तरीके से वर्क करती है और हमें हमारे काम में मदद करती है मीन्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी ऑफ द टास्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली वे मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे इट कैन परफॉर्म मैनी ऑफ द टास्क विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये बोल सकते हैं कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के थ्रू हमारे रिजल्ट्स को हमारे तक पहुंचाता है चलिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे अब स्टूडेंट्स एज आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स जिस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सिमिलरली देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्प्यूटर इस डिवाइसिस हैविंग अ डिफरेंट फंक्शन उसी तरीके से क्या होता है कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक डिवाइस का मीनस हर एक पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है एक अलग फंक्शन होता है उन फंक्शंस को हम एक एक करके देखेंगे भी फर्स्ट है स्टूडेंट बेसिकली हमारा मॉनिटर है फर्स्ट मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन पिक्चर्स एंड जस्ट लाइक टेलीविज़न स्टूडेंट मॉनिटर क्या है टेलीविज़न की, की तरह दिखता है या फिर टीवी की तरह दिखता है बेसिकली जो हमारे घरों में टीवी होते हैं उसकी तरह दिखता है और मॉनिटर का यूज़ हमारा जो भी काम करते हैं जो भी वर्क करते हैं वो सारा हमें इंफॉर्मेशन को जो भी है उसको डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पर मीनस जो स्क्रीन शो होती है उस पर हमारा रिजल्ट दिखाई देता है देख सकते हैं मॉनिटर पर हम जो भी वर्क करते हैं जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर आप देख सकते हैं एंड पिक्चर्स जो भी हैं उनको भी हमें स्क्रीन के थ्रू दिखाई देता है और जो भी वीडियोस या फिर हम अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को भी हम विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर स्क्रीन देख सकते हैं स्टूडेंट बेसिकली मॉनिटर क्या है आउटपुट डिवाइस है बिकॉज मॉनिटर हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसिस एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल शो आर रिजल्ट मीन्स इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी काम करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड विद द हेल्प ऑफ माउस उस चीज को क्या करता है प्रोसेसिंग करने के बाद हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे हमारा रिजल्ट शो कराता है इट मींस क्या है मॉनिटर इज अ डिस्प्ले डिवाइस और वी कैन से मॉनिटर इज अ इज एन आउटपुट डिवाइस स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर ही होगी नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे कीबोर्ड अ कीबोर्ड हैज मैनी कीज ऑन इट these keys are used to write letters, number and special symbols on the computer. basically keyboard में बहुत सारी keys होती हैं मीन्स अप्रॉक्स 103, 104 थ्री वन ड्रेट फोर वन ड्रेड सेवन तक कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड में स्टैंडर्ड की की अगर बात करें तो उसमें मैन्यू ऑफ द कीज़ होती हैं अगर नंबर कीज की बात करें तो नंबर कीज़ फ्रॉम जीरो टू नाइन टोटल टेन कीज़ होती हैं और अगर अल्फाबेट <coughs> कीज़ की बात करें तो अल्फ़ाबेट कीज़ हमारी ए टू जेड होती हैं इटमीन कितनी होती हैं ट्वेंटी कीज होती हैं फंक्शनल कीज की बात करें तो फंक्शनल कीज एफ वन टू एफ ट्वेल्व होती हैं टोटल कीज़ तो टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ हमारी ट्वेल्व हो जाएंगी फंक्शनल कीज बाकी डिलीट की बैक स्पेस की एरो कीज़ बहुत सारी कीज होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी एप्लीकेशन इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी कॉन्टैक्ट नंबर देन यू यूज कीज इफ यू वॉन्ट टू राइट यू एप्लीकेशन देन यू शुड यूज ओनली अल्फाबेट कीज अल्फाबेट कीज का हम अपनी एप्लीकेशन को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर किसी का एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस में जो नंबर कीज को हम यूज करते हैं वो सारे क्या है नमेरिक कीज के थ्रू करते हैं या फिर जिनको हम नमेरिक कीज बोलते हैं जीरो टू नाइन इट मींस टोटल टेन कीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं स्टूडेंट नाउ यू टेल मी मॉनिटर इज एन विस टाइप ऑफ डिवाइस मॉनिटर किस तरीके की डिवाइस है इनपुट है आउटपुट है या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है लाइव चैट में अपने आंसर सेंड करिए स्टूडेंट्स अपने नेम्स भी सेंड कर दीजिएगा साथ में बहुत बढ़िया फटाफट से भेजिए आंसर्स ओके नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट इज माउस माउस को बेसिकली माउस क्या है माउस में बेसिकली थ्री बटन्स और वी कैन से टू बटन्स टू बटन्स होते हैं एक लेफ्ट माउस बटन होता है और एक राइट माउस बटन होता है और एक सेंटर में होता है स्क्रॉल भी ओके सो वट इज माउस सिंपली वी कैन से माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्योंकि माउस का यूज हम करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ माउस विद द हेल्प ऑफ कर्सर, मूविंग कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ओके उसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं या फिर किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं इट इज़ टू मूव द द ऑन स्क्रीन जर्नली माउस कम्स टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील बेसिकली जो माउस होते हैं उसमें टू बटन्स होते हैं मीन लेफ्ट बटन एंड राइट बटन होता है और साथ में एक स्क्रॉल व्हील होती है जो हमारे पेज अप एंड डाउन करने के लिए यूज करते हैं इसका स्टूडेंट so, कई माउस ऐसे होते हैं जिसमें स्क्रॉल व्हील की जगह बटन दिया होता है तो बटन जो दिया होता है जो थ्री बटन माउस जिनको बोलते हैं बेसिकली तो वो माउस क्या करते हैं सेम वही परफॉर्मेंस देते हैं जिस तरीके से स्क्रॉल व्हील यूज किया जाता है उस बटन को भी हम स्क्रॉल व्हील की तरह यूज कर सकते हैं मीन्स उसको बाई प्रेसिंग हम पेज अप एंड डाउन को कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी नाउ स्टूडेंट सेंड योर आंसर इन लाइफ चैट हाउ मैनी बटनस इन अ माउस हाउ मैनी बटन्स इन अउस माउस में कितने बटन्स होते हैं हाउ मेनी बटन्स इन अउस स्टूडेंट सैन यू आंसर्स वेरी गुड स्टूडेंट आंसर्स के साथ आप अपने जो भी नेम है वो भी सेंड कर दीजिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीओ जिसको बोलते हैं सीपी क्या होता है एक ब्लैक बॉक्स होता है ब्लैक बॉक्स की तरह दिखता है इसके बारे में देखेंगे क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपी यू किसे बोलते हैं सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपी यू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है फिर कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है बेसिकली इट कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड टेल्स द अदर पार्ट्स वट टू डू स्टूडेंट जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है या फिर ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है वो पूरी ओवरऑल फंक्शनिंग को फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को जिस तरीके से अगर हमें सिंपल कोई वर्ड भी बोलना है या फिर हम किसी भी काम को करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर हैंड देन विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन यानी कि बिना ब्रेन का कोई इंस्ट्रक्शन या फिर दिमाग का यूज़ किए हुए हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते सिंपल एक स्टेप भी नहीं चल सकते सेम उसी तरीके से कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है विदाउट सीपीयू के हम किसी भी काम को नहीं कर सकते एंड विदाउट सीपीयू के किसी भी फंक्शन को हम कंप्लीट नहीं कर सकते तो सी के बिना सी के इंस्ट्रक्शन के बिना हम कोई भी परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम में नहीं कर सकते सो दैट्स वाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर स्टूडेंट्स टेल मी हाओ मनी कीज़ ऑन द कीबोर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं आंसर सेंड करिए की बोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं हाउ मनी कीज़ ऑन द कीबोर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं स्टूडेंट्स बी एक्टिव इन योर कंप्यूटर क्लास क्लास में एक्टिव रहिए और जो भी क्वेश्चन हैं आप उनके आंसर्स फटाफट से सेंड किया करिए जिससे कि मैं आपका चेक कर सकूँ और आपका रेस्पॉन्स भी कर सकूँ स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन रेज हो रहा है कीबोर्ड से कीबोर्ड में जो स्मॉल कीज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं मीन सिंगल सिंगल जो की है उसको क्या बोलते हैं बेसिकली स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज जो कीबोर्ड में छोटे छोटे बटन्स होते हैं हम उन्हें कीज बोलते हैं सिंपली डेफिनेशन अगर बात करें तो क्या है वॉट इज की व्हाट आर कीज ऑन द कीबोर्ड देन यू कैन से कीबोर्ड कीज स्मॉल कीज ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज स्मॉल बटंस ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज या छोटे बटन जो होते हैं की बोर्ड में उसे हम क्या बोलते हैं कीज बोलते हैं यहां तक की स्टूडेंट बात क्लियर हुई होगी अगर इतना समझ में आ गया है तो मुझे लाइव चैट में अपना आंसर सेंड कर दीजिए यस सर आई अंडरस्टूड इतना सेंड करिए फिर आगे बढ़ें नाउ speakers. बेसिकली स्टूडेंट्स speakers आपने अपने घरों में देखे होंगे स्पीकर्स <coughs> का हम क्या करते हैं सॉन् song, अपने सॉन्ग्स को सुनने के लिए या साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए तेज आवाज़ में सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं सो स्पीकर्स आर यूज टू प्रोड्यूस साउंड साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए भी सब लैपटॉप में अगर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ कम होगी और आप अगर स्पीकर्स को लगा देंगे तो क्या होगा उसकी स्पीड उसका जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा प्रोड्यूस होगा लार्ज अमाउंट में या फिर ज्यादा तेज हो जाएगा जिस वजह से आप दूर तक उस साउंड को सुन सकते हैं वेन यू प्ले सॉन्ग्स और वॉच अ मूवी यू हीयर द साउंड जब भी आप क्या करते हैं सॉन्ग प्ले करते हैं या फिर किसी मूवी को देखते हैं तो आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर ये स्पीकर हैं इस तरीके के स्पीकर होते हैं बेसिकली स्पीकर तो क्या है बेसिकली स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है तो इस स्पीकर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं बिकॉज इट्स अ आउटपुट डिवाइस एंड इट गिव्स अस आउटपुट क्योंकि आउटपुट देता है हमें साउंड सुनते हैं हम लोग तो क्या है आउटपुट डिवाइस इसलिए नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर प्रिंटर बेसिकली स्टूडेंट व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर स्टूडेंट आंसर सेंड करिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर प्रिंटर का क्या यूज होता है बेसिकली वो सेंड करिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वॉट इज़ द यूज ऑफ प्रिंटर वॉट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंटर प्रिंटर का क्या यूज़ है स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर सेंड करिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर के हमारे कंटेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं थोड़ा सा बचा हुआ है पोर्शन बस आई थिंक ओनली फाइव मिनट्स आई विल टेक ओनली फाइव मिनट्स आई थिंक ओके प्रिंटर प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर प्रिंटर क्या करता है हमारा जो भी वर्क है उसको प्रिंट करता है ऑन पेपर यानी कि हम कोई भी अपना वर्क है उसको हम प्रिंटर पे के थ्रू अगर पेपर पे प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या होता है प्रिंटिंग प्रोसेस हो जाता है बेसिकली तो प्रिंटर क्या है हमारा बेसिकली आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर कई क्वालिटीज़ में प्रिंट करते हैं ब्लैक एंड वाइट होता है या फिर अदर चाहें तो हम कलर्ड प्रिंट भी निकाल सकते हैं <coughs> स्टूडेंट एक और चीज़ है कि प्रिंटेड हम हार्ड कॉपी कहते हैं मीन्स जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं और जो सॉफ्ट कॉपी होती है अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो क्या है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमें वर्क हमारा शो होता है हमारी जो पेंटिंग है या फिर हमारा रिटन मटेरियल जो भी हमें शो होता है कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन के अंदर वो हमारा हार्ड सॉफ्ट कॉपी होता है और प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी स्टूडेंट सेंड यू आंसर इन लाइफ जैट विस डि इज यूज टू लिसन म्यूजिक या कौन सी डिवाइस का हम यूज करते हैं अपने सॉन्ग्स को सुनने के लिए सेंड करिए फिर हम चैप्टर रिव्यू को पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम इन चीजों को समझेंगे राइट आंसर वेरी गुड फर्स्ट पॉइंट इज अ अ कंप्यूटर 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 विद ऑल इट्स पार्ट्स टुगेदर फॉर्म्स सिस्टम इस के जो भी बेसिक पार्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड हो गया माउस हो गया सीपीटर यूपीएस इन पार्ट्स को ज्वाइन करके हम क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं कीबोर्ड इज सिमिलर टू टाइपराइटर की बोर्ड क्या है जैसे टाइप राइटर होता है टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं सेम कीबोर्ड का भी हम टाइपिंग करने के लिए ही यूज करते हैं मॉनिटर क्या है मॉनिटर हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है, है बिकॉज मॉनिटर से ओ, माउस क्या है हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है तो माउस के थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को पॉइंट आउट करते हैं फिर पॉइंट आउट करने के बाद ओपन या फिर क्लोज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस बटन सीपीयू बेसिकली क्या है सीपी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है सीपी को ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का और लास्ट हमारा है मोनिटर द मोनिटर विच इज़ यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स एंड वीडियोजस्ट लाइक टेलीविज़न मोनिटर क्या करता है हमारे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है पिक्चर्स को डिस्प्ले करता है और हमारे वीडियोज़ को टेलीविज़न स्क्रीन पर शो कराता है स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसमें आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख सकते हैं बेसिकली या फिर वो डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहती हैं जैसे आपका प्रिंटर हो गया <coughs> स्पीकर्स हो गया मॉनिटर स्क्रीन हो गया और माउस और सीपी वगैरह इसमें अटैच नहीं है वो भी अभी आपको स्क्रीन के थ्रू शो करूँगा बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको सारा इसमें आप देख सकते हैं सिस्टम यूनिट स्क्रीन मॉनिटर, स्पीकर <coughs> कीबोर्ड माउस एंड माइक्रोफोन ये मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के स्टूडेंट दीज आर द इंटरनल पार्ट ऑफ द सी पी यू सी पी यू के इंटरनल पार्ट्स हैं बेसिकली सीख इन साइड ऑफ अ डेस्कटॉप केसिंग डेस्कटॉप का केसिंग किस तरीके से अटैच्ड होता है पावर सप्लाई है मदरबोर्ड जिसमें सारे ट्रांजिस्टर्स अटैच्ड होते हैं बेसिकली सीपीयू सी पी यू है और ये हमारे रैम होगी पी एल पी सी एल पी सी आई कार्ड्स हैं सी डी ड्राइव सी डी 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 वी डी ड्राइवर है फ्लॉपी डिस्क है एंड हार्ड डिस्क है ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? होती है सी पी यू से अटैच होती हैं स्टूडेंट दिस इज मोनीटर जो हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है हमारे वर्क को डिस्प्ले कराता है इट्स अ कीबोर्ड स्टूडेंट कीबोर्ड में आप देख सकते हैं ये हमारी अल्फाबेट कीज हैं एंड नंबर कीज आर द टॉप शो हो रही हैं बेसिकली वन टू जीरो और जीरो टू वन यू कैन से एटलीस्ट टोटल टेन कीज आर देयर एंड हियर आल्सो यू विल सी टेन कीज शिफ्ट की बाकी डिलीट की और फंक्शनल कीज काफी सारी कीज हैं इसमें माउस है माउस में बेसिकली थ्री टू बटन्स होते हैं लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल व्हील जो एक वायर से अटैच होता है <coughs> और वायर क्या होता है स्लॉट के थ्रू सीपीयू में अटैच्ड होता है इंटरनल पार्ट है सीपीयू का किस तरीके से पोर्ट्स अटैच किए जाते हैं स्पीकर्स हैं जिनका हम साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए फिर साउंड की मॉडोरेशन की आवाज़ को तेज करने के लिए यूज करते हैं दीज आर द प्रिंटर्स कलरफुल प्रिंटर एंड निगच बाकी बाकी प्रिंटर कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट दोनों ही प्रिंट करते हैं प्रिंटर से स्टूडेंट आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी चैप्टर फोर हाउ डज़ कंप्यूटर वर्क स्टूडेंट्स चैप्टर फोर में हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है किस तरीके से परफॉर्म करता है किसी भी टास्क को और क्यों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और कैसे हमें रिजल्ट को हमारे स्क्रीन तक या फिर हमें आउटपुट की फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर से हमारे डेटा को प्रिंट करके हमें देता है दिस टॉपिक विल डिस्कस ओनली आई पी ओ साइकिल आई पी ओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मीन्स कंप्यूटर परफॉर्म करता है जो भी वर्क वो आईओपी साइकिल के बेसिस पे करता है मीन्स इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली वर्क करता है स्टार्ट करेंगे फिर चिल्ड्रेन व you understood that computer is a machine and help us in doing our work in an easy manner student hum pehle hi pad chuke hain ki computer kya hai computer ek machine hai jo ki electronic machine hai aur computer hamare liye kya hai bahut helpful hai because computer हमारे काम को एक easy way में या फिर आसान तरीके से हमारे काम को करने में मदद करता है और किसी भी काम के लिए किसी भी काम को करने के लिए उसको कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयरड एज ह्यूमन बींग तो स्टूडेंट बेसिकली कंप्यूटर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कंप्यूटर मशीन है और वो परफॉर्म करिएगा सिर्फ वही टास्क जिसको हमने क्या किया है एक ह्यूमन बींग क्या करता है जो भी इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा और हमें एक परफॉर्मेंस देगा एक एक्यूरेट मैनर में एक डिलीजेंस वे में स्टूडेंट मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग एंड कंप्यूटर बताया था तो शायद आपको वो रिमेंबर होगा ध्यान होगा अगर नहीं ध्यान है अगर आपने चैप्टर टू और चैप्टर वन का रिवीजन सेशन नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख लीजिएगा और कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके अभी क्लियर नहीं है वो आप वहाँ से समझ सकते हैं स्टूडेंट <coughs> मुझे लाइव चैट में सेंड करिए व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है व्हाट इज कंप्यूटर इसका आंसर सेंड करिए फिर आगे बढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है उसका आंसर सेंड करिए मुझे स्टूडेंट अपना नेम जरूर सेंड करा करिए बिकॉज मैं आपको रेस्पॉन्स कर सकूँ आपके नेम के अकॉर्डिंग ओके वेरी गुड फटाफट <coughs> से आंसर सेंड करिए वर्क ऑन कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर पर वी हैव टू फॉलो दीज थ्री सिंपल स्टेप्स हमें थ्री सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है या three simple steps को याद रखना पड़ता है कंप्यूटर पे वर्क करने की डिशन में फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम इनपुट देते हैं किसी भी डेटा को देते हैं इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ कंप्यूटर इनपुट हमारा कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है इनपुट हमारा माउस के थ्रू हो सकता है बिकॉज कीबोर्ड एंड माउस बोथ आर इनपुट डिवाइसेस अगर हमने कोई भी लेटर टाइप करना है तो हम क्या करेंगे कीबोर्ड से कीज को प्रेस करेंगे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर अगर हमें लेना है या कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम क्या करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक कीज यूज़ करेंगे और उसका कॉन्टेक्ट नंबर हम उसमें राइट कर देंगे किसी का एड्रेस हो गया या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर्स को भी हम उसमें यूज कर सकते हैं या फिर स्पेशल साम्बल को भी हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन का मीन्स होता है एक मीडियम जिसके थ्रू हम बातचीत करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस में माउस और कीबोर्ड क्या है एक मीडियम है कंप्यूटर सिस्टम से बात करने के लिए इफ वी आर टॉकिंग इफ आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओके विदाउट इंटरनेट की कनेक्टिविटी के मैं आपके सामने बैठ के आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा या आप मेरे इस सेशन को देख नहीं पाएंगे सेकेंड स्टेप है प्रोसेस प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ इनपुट उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा का प्रोसेसर प्रोसेसिंग होनी चाहिए या डेटा का इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस्ड होना ज़रूरी है जैसे आपने एडिशन दिया टू प्लस थ्री इंस्ट्रक्ट किया तो टू और थ्री का एडिशन कितना होना चाहिए फाइव होना चाहिए तो वो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपका जो वर्क है वो परफॉर्म होगा देन फाइनली हमें क्या होगा रिजल्ट शो होगा मॉनिटर की स्क्रीन पर जिसको हम आउटपुट बोलते हैं फाइनल रिजल्ट बोलते हैं चाहे वो मॉनिटर स्क्रीन पे हो या फिर प्रिंटेड ऑन द पेपर या फिर पेपर के ऊपर प्रिंट हो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आई पी ओ मीस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी नाउ टेल मी वॉट इज इनपुट इनपुट क्या है मुझे लाइव चैट में आंसर सेंड करिए व्हाट इज इनपुट एंड टेल मी एनी टू इनपुट डिवाइसेस और टू इनपुट डिवाइसेस के नेम भी सेंड करिए आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ व्हाट इज़ इनपुट एंड गिव टू इनपुट डिवाइसेस नेम सेंड करिए स्टूडेंट्स आंसर्स अपने आंसर सेंड करिए प्रोसेस देखिए स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या है इनपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या हो गया आपका माउस हो गया या फिर इन डिवाइसेस in के थ्रू स्टूडेंट स्मॉल बटन ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज बोलते हैं प्रोसेसिंग होगी या प्रोसेस होगा हमारा हेल्प ऑफ सीपीयू जिसको हम ब्रेन बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड आउटपुट क्या होता है हमारा या प्रिंटर हो सकता है या फिर हमारा मॉनिटर हो सकता है अगर हमें स्क्रीन पे देखना है तो वो हमारा आउटपुट क्या होगा मॉनिटर पे हो जाएगा बट अगर हमें प्रिंट ऑन पेपर चाहिए तो क्या होगा वो हमारा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटेड कॉपी हम मॉनिटर उससे मॉनिटर से जो हमारी हार्ड कॉपी निकलेगी विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वो हम क्या ले सकते हैं आउटपुट ले सकते हैं जैसे आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर हुई होगी ना स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ साइकिल आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है वो सेंड करिए आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है वो सेंड करिए फिर आगे बढ़ते हैं आईपीओ का फुल फॉर्म सेंड करिए आईपीओ जो प्रोसेस उसको सेंड करिए ओके राइट आंसर्स वेरी गुड ओके लेट एस स्टार्ट आई मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यूज इन डेली लाइफ डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मैंगो जूस की फॉर मेकिंग मैंगो जूस मैंगो जूस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा ऑरेंजिस चाहिए होंगे जो कि हम जिसको इनपुट बोल सकते हैं प्रोसेसिंग में हमें जूसर चाहिए होगा एंड देन ऑरेंज पील्स को क्या करेंगे हम जूसर में डाल के उसको मिक्स कर लेंगे देन हमारा जूस जो रेडी है वो ग्लास में है वो है आउटपुट डिवाइस अगर किसी को जूस पीना हो यहाँ से पी सकता है बन गया है रेडी हो गया आपके लिए जूस तो ये प्रोसेस क्या हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट इनपुट में हमने क्या दिया मटेरियल प्रोवाइड कराया फिर इसको जूसर में क्या किया एक प्रोसेसिंग दे दी कि कितनी देर तक इसको यूज करना है देन आउटपुट मिल गया आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो ही होगी यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो सेंड करिए यस सर सेकेंड पॉइंट है फॉर टर्निंग ऑन द टेलीविजन टेलीविजन को जब हम ऑन करते हैं टर्न करते हैं तो क्या होता है फर्स्ट हमारा इनपुट क्या है इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं अपने चैनल्स को सेलेक्ट करते हैं फिर उसमें प्रोसेसिंग के थ्रू आपका ऑन हो जाता है मिस सिस्टम को ऑन कर दिया पहले रिमोट के थ्रू फिर टेलीविज़न में प्रोसेसिंग हुआ देन आपका चैनल स्टार्ट हो गया तो ये भी प्रोसेस क्या है इनपुट प्रोसेस आउटपुट है ना स्टूडेंट इनपुट प्रोसेस आउटपुट हम मैथमेटिक्स के थ्रू भी समझ लेते हैं इनपुट में हमने दिया है फोर कॉमा टू मल्टीप्लाई मीन्स फोर और टू क्या है हमारे टू वैल्यूज हैं जिनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोसेसिंग में क्या हो फोर मल्टीप्लाई बाय टू हो गया सीपीयू के थ्रू देन आउटपुट कितना आया एट तो ये इनपुट है जो कीबोर्ड से देंगे प्रोसेसिंग में सीपीयू के थ्रू होगा एंड आउटपुट हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे शो हो जाएगा इन दैवऑफ एग्जांपल इन दिस गिवन एग्जांपल फोर एंड टू आर डेटा जो डेटा है हमारा डाटा या डेटा जो भी है परफॉर्म करने के लिए टू मल्टीप्लाई द नंबर इज़ द इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन थे मल्टीप्लीकेशन के लिए फिर प्रोसेस क्या हुआ सी के थ्रू मल्टीप्लीकेशन हुआ फोर एट टू का और आंसर कितना आया एट एट इज़ द रिजल्ट ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट यहाँ तक आई साइकिल के थ्रू देख सकते हैं ऑरेंज जूस जो, जो मैंने आपको बताया है ऑरेंज पील्स हो गए इनपुट में प्रोसेसिंग होगी जूसर में एंड देन जूस आपका रेडी हो गया है तो ये क्या है सिंपल प्रोसेस है इसी तरीके से मैथमेटिक्स का भी प्रोसेस सेम वही है टू प्लस थ्री आप दे रहे हैं तो क्या होगा प्रोसेसिंग के बाद आपको फाइव मिल जाएगा एज अ आउटपुट स्टूडेंट यहाँ तक कोई डाउट हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक, तक तो बताइए चलिए फिर इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना स्टूडेंट वी विल डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थ्री एंड फोर थ्री और फोर चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर टिक द करेक्ट आंसर मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर चूज करना है सो so, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर रन ऑन कंप्यूटर बेसिकली किस पर रन करता है किसके थ्रू रन करता है तो बेसिकली इलेक्ट्रिकसिटी के थ्रू रन करता है उसको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती फ्यूल मीन्स चाहे वो लकड़ी हो जाए या फिर डीजल पेट्रोल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना ही उसे खाने की जरूरत पड़ती है ना वो कभी रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी नहीं मांगता है कभी भी नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन इनमें से कौन सा मशीन नहीं है स्टूडेंट टेलीविजन भी मशीन है एप्पल कैलकुलेटर भी हमारा मशीन है और एप्पल क्या है एप्पल इज अ फ्रूट सो सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन कौन सा मशीन नहीं है तो एप्पल इसमें मशीन नहीं है थर्ड पर डिस्कस करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मशीन है तो स्टूडेंट प्लांट भी मशीन नहीं है और फ्लावर्स भी मशीन नहीं है दीज आर द नेचुरल थिंग्स एंड टेलीविजन क्या है मेन मेड थिंग है दूसरा क्या है ये एक मशीन है तो स्टूडेंट दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझिए कि अगर पूछे मेन मेड थिंग तो यहाँ पे क्या है टेलीविज़न और नेचुरल थिंग क्या है प्लांट और एनी प्लांट एंड फ्लावर्स दोनों क्या है नेचुरल थिंग है नेक्स्ट फोर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले गेम्स गेम्स को प्ले करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेसिकली कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कैलकुलेटर को हम एडिशन सप्ट्रैक्शन अपने किसी भी चीज़ का हिसाब जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं और मोटरसाइकिल हम राइड करने के लिए यूज करते हैं चाहे वो गेम्स की हो या फिर बाइक राइडिंग वगैरह की बात करें तो नेक्स्ट है फिलिंदा ब्लैंक्स में फर्स्ट है मशीन इज अ टूल विच हेल्प विच मेक्स आवर वर्क मशीन हमेशा हमारे काम को क्या करती हैं आसान करती हैं सो इन फर्स्ट वन हैविंग ईजियर फर्स्ट में क्या हो जाएगा ईजियर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वन ये हो जाएगा सेकेंड है कंप्यूटर इज एन मशीन कंप्यूटर कैसी मशीन है तो कंप्यूटर हमेश क्या है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगी तो इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं थर्ड है हमारा कंप्यूटर नेवर मेक्स कंप्यूटर क्या नहीं करता है कभी कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स कंप्यूटर कभी भी गलतियाँ नहीं करता है एंड फोर्थ क्या है कंप्यूटर रनस ऑन एलेक्ट्रिकसिटी कंप्यूटर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है स्टूडेंट अगर आपकी एक्सरसाइज फिल नहीं है तो एक्सरसाइज आप फिल कर सकते हैं यहाँ से फर्स्ट है ट्रिफॉल्स मशीन्स मेक आवर वर्क इजियर अभी स्टूडेंट पढ़ा मशीन हमारी क्या है मशीन हमारे वर्क को करने में आसानी मशीन हमारे काम को करने में हेल्प करती है जिससे हमारा काम क्या हो जाता है और आसान हो जाता है आई होप यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंप्यूटर इज नॉट अ मशीन कंप्यूटर मशीन नहीं है तो ये फॉल्स है कंप्यूटर क्या है मशीन है थर्ड है कंप्यूटर में हेल्प्स अस टू डू होमवर्क कंप्यूटर में होमवर्क करने में मदद करता है यस स्टूडेंट कंप्यूटर हेल्प करता है अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं एड सब्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंप्यूटर के थ्रू हेल्प ले सकते हैं या अपने क्वेश्चन को डाल के आप इंटरनेट के थ्रू किसी अदर सोर्स से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर वर्क वेरी स्लो कंप्यूटर स्लोली वर्क नहीं करता है कंप्यूटर परफॉर्म वेरी हाई स्पीड ऑफ द डेटा बेसिकली एंड इट परफॉर्म अ बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेकेंड मीन्स किसी भी काम को एक सेकेंड में चुटकियों में कर सकता है नेक्स्ट हमारे जंबल वर्ड्स फर्स्ट आपका है कंप्यूटर सेकेंड है डिसीजन इनकी स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिएगा थर्ड है स्टोरेज एंड फोर्थ है मूवीज बाकी पजल है पजल तो आप फिल कर सकते हैं पजल मैंने कंप्लीट कराया था इलेक्ट्रिसिटी फीलिंग्स टायर्ड फास्ट एंड रिजल्ट ये क्या है पजल के थ्रू आप फिल कर सकते हैं चैप्टर फोर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अब टिक द करेक्ट आंसर चूज द साउंड डिवाइस साउंड डिवाइस कौन सी बेसिकली कौन सी डिवाइस साउंड प्रोड्यूस करती है तो स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है बेसिकली कीबोर्ड एंड माउस क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं और स्पीकर हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है आइडेंटिफाई द टाइपिंग डिवाइस टाइपिंग डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है मॉनिटर क्या करता है हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है इसलिए टाइपिंग डिवाइस नहीं है कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं टाइपिंग करने में माउस हमारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा की होगा थर्ड है आइडेंटिफाई द क्लिकिंग डिवाइस क्लिकिंग डिवाइस जो क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं तो मॉनिटर हमारा डिस्प्ले डिवाइस है की हमारा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कीज़ के थ्रू अपने डेटा को टाइप करते हैं और माउस हमारा क्या है क्लिकिंग डिवाइसेस के इसके थ्रू हम क्लिक करके अपने फाइल को या फिर अपने डेटा को ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का ब्रेन क्या है मॉनिटर कंप्यूटर का ब्रेन नहीं है सी पी यू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर द फॉर्म ऑफ सी पी यू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सो और करेक्ट आंसर इज सी पी स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी क्लियर है बात तो आगे बढ़ेंगे फिलिंदा ब्लैंक्स पे आते हैं फर्स्ट है देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर फोर मेन पार्ट्स अगर कौन कौन से हैं फर्स्ट आपका कीबोर्ड हो गया मॉनिटर हो गया सी हो गया एंड माउस हो गया बाकी इन्होंने प्रिंटर वगैरह को इंक्लूड नहीं किया है तो ये आपके फोर मेन पार्ट्स हैं फिर क्लिकिंग डिवाइस क्या है माउस है क्लिकिंग डिवाइस प्रिंटर का यूज़ हम करते हैं पेपर पर वर्क को प्रिंट करने के लिए और स्पीकर्स क्या है हमारा एक डिवाइस है स्पीकर का यूज करते हैं म्यूजिक को सुनने के लिए नेक्स्ट है जंबल वर्ड्स फर्स्ट में आपका कीबोर्ड हो जाएगा रीअरेंज करना है इन स्पेलिंग्स को सेकेंड है मॉनिटर, थर्ड है माउस एंड फोर्थ है प्रिंटर ये स्टूडेंट जंबल वर्ड्स हैं जंबल वर्ड्स को आप अरेंज कर सकते हैं सिंपली और फिर आपकी है मैचिंग फर्स्ट है आपका स्पीकर का क्या काम होता है सॉन्ग को सुनने के लिए ऑडियो को सुनने के लिए प्रिंटर का यूज होता है प्रिंट करने के लिए ऑन पेपर मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा एंड आपकी चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन इफ एनी डाउट यू आस्क विद मी आपकी चैप्टर की एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई हैं थ्री एंड फोर चैप्टर की तो आप इस सेशन को पूरा देख के समझ लीजिए और अपने एक्सरसाइज को प्रिपेयर कर लीजिए Thank you. Bye. Take care. See you.